मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हौसला बुलंद हो तो हर सपना हकीकत में बदला जा सकता है। आज की ये कहानी बिहार के लाल शरद कुमार की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों को पार करते हुए पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता। शरद की कहानी की शुरुआत उनके बचपन से होती है, जब वो सिर्फ 2 साल के थे, पोलियो ने उनके पैरों की ताकत को छीन लिया। लेकिन उनकी हिम्मत और सपनों की उड़ान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनके पिता सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, तब शरद को दार्जिलिंग भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 2 साल की उम्र में उसको पोलियो हो गया था, तो हम सब धंधा पानी में लग रहे थे, खेती गृहस्थी में थे, पर मामी मामा आए उसको इलाज कराते थे पटना कलकत्ता ही सब से लगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो उस बाद उसका एडमिशन कराया संपल दार्जिलिंग में, 3 साल का था तब एडमिशन करा दिए, वहीं से पढ़ता था, खेला वहीं से शुरू किया। दिल्ली बड़ा खंबा रोड में मॉडर्न स्कूल है, वहाँ भी खेला था, वहाँ जीता एशिया में गोल्ड, फिर डीयू में गया कुर्रीमल कॉलेज, तो वहाँ जीता वर्ल्ड चैम्पियन सिल्वर, फिर जेएनयू में गया तो वहाँ गोल्ड, 2 बार एशिया में गोल्ड, 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन में सिल्वर, और 1 बार टोक्यो में ब्रॉन्ज, आया भी जीता है सिल्वर पेरिस। शरद के बड़े भाई सलज कुमार भी हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इनसे मोटिवेट होकर शरद ने इस खेल में रुचि दिखाई और 7th क्लास में ही जिला स्तर पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शरद हमेशा कहते थे कि वो कुछ बड़ा करेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे, और ये सपना पेरिस पैरालंपिक में सच हुआ, जब शरद ने हाई जंप T63 कंपटीशन में 1.88 मीटर की ऊंचाई पार कर सिल्वर मेडल जीता। ऐसे कहानी उसको 2 साल का पोलियो हो गया, उसके बाद उसका बुझा कि हम क्या करेंगे पापा जी कर कैसे काम, इधर हर बार आना ही मेहनत पढ़ाई करिए, आपको पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं, पढ़ाई करिए तो ठीक है पापा, हम कुछ करके दिखाएंगे, दम बराबर पापा हम ही बनेंगे, पापा आइएस बनेंगे, पापा हम ही बनेंगे, वो बने ठीक है बनिएगा पापा बेटा बनिएगा, मैं हौसला कभी नहीं आ रहा, पापा हम ही नाम करेंगे देखिएगा, पूरा था कि 5-6 साल के हम हर देश जाएंगे, हर देश से लौट कर आएंगे घूम घूम कर, उसका भाई हम लोग खूब हंसते। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी शरद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये उनकी मेहनत और संघर्ष ही तो है। शरद जब बाहर रहते हैं तो अक्सर वो घर का खाना मिस करते हैं। इस पर शरद की माँ उन्हें याद करते हुए क्या कहती है, सुनिए। खेल के रुचि रखता है खाने का, घर का खाना खाने का बहुत शौक होता है, जब बाहर से फोन करता है मम्मी घर के खाना खाने का बहुत शौक है, फिर कुछ खाने का मन होता है तो पूछता है जो कैसे बनेगा तो बताते हैं, चाव से रेसिपी मांगते हैं, हाँ क्या है, चाहे कुछ भी होता है पापा से तो अपना बात बोलो, वो अपना पर्सनल बात होता है, लेकिन हर बात शेयर हमसे ज़्यादा करता है, तो पापा मम्मी तो एक ही साथ रहेंगे, जब मम्मी कैसे हुआ चाहे जब भी बात करते रहे, मम्मी बीमार ना पड़े, पापा के कुछ ना हो, श्रुति के अदिति बहन है, अदिति के कुछ ना हो, भैया सबको विदेश में रहना हर दम ध्यान में लगा रहता है। शरद कुमार की ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।